इसी सिस्टम के लिए तो सरकार आधार लेके आई है। आधार ने इस देश के बड़े से बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। सुनिए, आधार की वजह से 1,30,000 फर्जी शिक्षकों का पता चला, 2,00,000 बोगस शेल कंपनियों का पता चला। आधार की मदद से 1.5 करोड़ बोगस राशन कार्ड भी सामने आए। आधार के जरिए ही 4,00,000 फेक स्टूडेंट्स का पता चला। और सुनिए, आधार की वजह से 500 गुमशुदा बच्चों का भी पता चला। इनके कांड बाकी है दोस्तों। ये भी सुनिए कि 3.5 करोड़ बोगस LPG का भी अगर पता चला है तो वो सिर्फ आधार की वजह से ही। 15,00,000 बोगस पान कार्ड ढूंढ निकाले। आधार की वजह से ही मनरेगा के 87 लाख बोगस जॉब कार्ड का भी पता चला। फर्जी, फेक, बोगस, भूतिया, ये सब तो इस देश में कल्चर बना रखा था। जानकर हिल जाएंगे आपकी इन आधार की वजह से ही हमारे देश के 62,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बचे, एक अकेले आधार की वजह से। आधार को सिस्टमाइज किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है विरोध। आधार बस एक कार्ड बनकर जेब में पड़ा रहता तो नहीं होता विरोध, जैसे कांग्रेस ने शुरू करके छोड़ दिया था। और हाँ दोस्तों, इस देश में 12,00,000 करोड़ से अधिक का घोटाला करने पर इतना विरोध नहीं होता जितना आज भ्रष्टाचार को रोकने पर हो रहा है। वारे मेरे देश प्रेमी बुद्धिजीवियों, कमाल का देश प्रेम है आपका। और सुनिए, मोदी जी ने जो कहा था ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ईमानदार छप्पन का सीना लेकर घूमेंगे, और यदि बेमानों को डर लगता है तो ये डर अच्छा है। काजल हिंदुस्तानी की तरफ से जय हिंद।